हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना आधार कार्ड ऑनलाइन घर बैठे कैसे अपडेट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम में आना है। गूगल क्रोम में आने के बाद हमें सर्च बॉक्स में टाइप करना है UIDAI लॉगिन। ये टाइप करने के बाद हमें सर्च करना है। सर्च करने में ऐसा इंटरफेस आएगा, माई आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें क्लिक करना है। इसके बाद हमें लॉगिन में क्लिक करना है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद हमें इंटर आधार नंबर, अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालना है। इसके बाद नीचे आपको कैप्चा कोड फिल करना है। इसके बाद सेंड OTP में क्लिक करना है, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में OTP जाएगी। जो भी आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड होगा, लॉगिन में क्लिक करना है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हुए हैं। डॉक्यूमेंट अपडेट, इसमें हमें क्लिक करना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, डॉक्यूमेंट दो हमें देने हैं। दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/6/2023, 14 जून 2023 तक ये जो सर्विस है फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद आपको अपडेट करेंगे, चार्ज देना पड़ेगा। नेक्स्ट में हमें क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद इसको हमें स्क्रॉल डाउन करना है। नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपका पूरा बायोडाटा आ जाएगा। इसके बाद हमें ये जो दे रखा हुआ है टिक बॉक्स में टिक मार्क्स लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए गाइडलाइन दे रखे हुए हैं। डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 2 MB, आपके डॉक्यूमेंट साइज जो होना चाहिए वो 2 MB से कम का होना चाहिए। JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके बाद प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, अपनी आइडेंटिटी के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो ये काफी सारे ऑप्शन दे रखे हुए हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ID देनी है, या फिर डिसेबिलिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास हो इन सारे डॉक्यूमेंट्स में जो भी एक हो। मैं तो भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा हूं, मतलब कि निवास प्रमाण पत्र। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। इसके बाद ओके में क्लिक करेंगे। ओके में क्लिक करने के बाद व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट में हमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू अपलोड में क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक दे रखे हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जो मेरा डॉक्यूमेंट है अजीत कुमार डोमिसाइल सर्टिफिकेट नाम से सेव है, ओपन में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा डॉक्यूमेंट है अपलोड हो चुका है। इसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसके बाद इतने काफी सारे ऑप्शन दे रखे हुए हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डिसेबिलिटी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन, गवर्नमेंट ID, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो फिर से मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए अपलोड कर रहा हूं। वोटर ID भी दे सकते हैं। तो इतने काफी सारे ऑप्शन दे रखे हुए हैं, एक आपको ID देनी है, तो मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद ओके में क्लिक करेंगे। ओके में क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू अपलोड में क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना डॉक्यूमेंट जो है सेलेक्ट करेंगे, ओपन में हमें क्लिक करना है। इसके बाद आई हेयर बाय इसमें टिक मार्क्स में टिक का मार्क्स लगाना है। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। इसके बाद बोल रहा है प्लीज कंफर्म योर डेमोग्राफिक डिटेल्स, जो भी आपने डेमोग्राफिक डिटेल दे रखी हुए डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं वो आपके आधार कार्ड से मैच करते हैं या नहीं। अगर मैच करते हैं
तो आपको ओके में क्लिक करना है। तो चलिए मैं ओके में क्लिक कर रहा हूं। तो देखो दे रखा हुआ है, डियर रेजिडेंटो, दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट 14/6/2023। 14 जून तक आपकी ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके बाद आपको चार्ज देना पड़ेगा। एस्टिमेटेड टाइम 15 सेकंड का लिया, डन हो गया। इसके बाद ये जो रिसिप्ट मिलेगी आपको, इसको डाउनलोड कर लेनी है, जिससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद पीडीएफ फॉर्मेट में होगी, इसको हमें पीडीएफ को ओपन करना है। कुछ ऐसी रिसिप्ट होगी, इसको प्रिंट करके रख लेना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।